गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी साहू स्क्रीनिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने मोल कंसेप्ट का पार्ट वन के कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सेकंड पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे जो भी PYQ में आए। तो क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, टू गेट 32 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, कि अगर आपको 32 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो आपको कितना कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा, ये कह रहा है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन ही लिख दो। रिएक्शन क्या लिखोगे? एक सेकेंड ना, सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हीट दिया जाएगा तो वो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, CO2 में टूट जाएगा। अब इसका मैंने क्या अप्रोच बताया था, पहले बैलेंस करो, बैलेंस है तो मोल लिख दो कि अगर इसका एक मोल ले रहे हैं तो ये भी एक मोल बन रहा है और ये भी एक मोल बन रहा है। फिर क्या बताया था कि अगर ऑप्शन ग्राम में दिख रहे हैं तो इनको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। एक मोल CaCO3 का मास कितना होता है? 100 ग्राम होता है। 100 कैसे आएगा? आप कैलकुलेट कर सकते हो। CaCO3 का मास कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48, इनको कैलकुलेट कर लेना, 100 आएगा। इसका कितना आएगा सर? 56 आएगा। इसका कितना आएगा? 44 ग्राम आएगा। मतलब कि अगर मुझे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो मुझे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा। यही मतलब पता चल रहा है ना यहाँ से? तो अगर मुझे 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो कितना लेना पड़ेगा? 100 डिवाइडेड बाय 56 लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में कितना पूछा है? 32 ग्राम। अगर मुझे 32 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो मुझे लेना पड़ेगा 100 डिवाइडेड बाय 56 इंटू में 32। इसको कट कर देते हैं, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, 400 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 जा 35 आएगा, तो ऑप्शन 5 के करीब होने वाला है। 35 तो 5 बच गया, तो अगेन कितना हो जाएगा? 7 7 जा 14 है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 57.14 ग्राम आ जाएगा। समझ रहे हो? देख लो, स्टोइकियोमेट्री के बहुत सवाल आ रहे हैं और जो भी सवाल आ रहे हैं बहुत इजी सवाल आ रहे हैं। देख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ऑफ O2। पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में? मास गिवन है, तो पहला फॉर्मूला मैं यहां लगा लेता हूं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है? 8 ग्राम। मोलर मास कितना है? O2 का 32 होता है, तो ये कितना मोल आ गया? 1/4 मोल आ गया। आ गया। अब आगे देखो, इसके आगे का, यहां 1 मोल O2 के अंदर 6.022 × 10³ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1/4 मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, इसको 4 से, ये कितने पे कटेगा? 1.5 पे कटेगा। तो आंसर आ रहा है 1.5 × 10³ मॉलिक्यूल्स। अब सर, क्वेश्चन में तो मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा, ऑक्सीजन एटम पूछा है, तो कितन बहुत सिंपल है यार। एक मॉलिक्यूल O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम है। तो 1.5 × 10³ मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1.5 × 10³। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये तो आ जाएगा 3 ×
10^23 मैंने अप्रोक्स ले लिया तो आंसर नंबर आ जाएगा क्या 4। आसान है कि नहीं देख लो, 3 × 10^23 इजी है, ध्यान रख लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड व्हेन 18 ग्राम ऑफ वाटर रिएक्ट विद 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सारा का सारा स्टोइकियोमेट्रिक का है। देखो इसको करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, जिससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। मोल की फॉर्म में लिख दो, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कर रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है, बन रहा है। अब क्योंकि ऑप्शन ग्राम में है तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो। कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होता है? कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, 56 ग्राम। वाटर का हम सबको मालूम है 18 ग्राम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लो कितना होगा, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, अच्छा ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 और 70, 74 आ गया। तो यहाँ पे 74 ग्राम बन रहे हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जब मैं वाटर को तो 18 ही ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को 28 ग्राम ले लूं तो ये कितना बनेगा। सवाल ये है, देखो कितना आसान है। अब तुम खुद देखना कि ना, ध्यान से सुनो, 18 ग्राम को 56 ग्राम लगेगा, 56 ग्राम, लेकिन आपने कितना दिया, आधा ही दिया। अगर आपने यहां आधा दिया तो ये भी तो अपना आधा यूज करेगा ना, क्योंकि 18 ग्राम तभी यूज होगा जब 56 ग्राम होगा। आपने इधर तो 18 दे दिया लेकिन इधर तो 28 ही दिया, तो आधा यूज होगा, तो कितना यूज होगा इसमें, 9 ग्राम यूज होगा। ये अगर आप बुद्धि का प्रयोग कर पा रहे हो तो यह बता सकते हो कितना यूज हो रहा है, ये 9 ग्राम। क्यों, जब आपने इसका आधा दिया तो इसका भी तो आधा यूज होगा। डेट मीन 28 ग्राम 9 ग्राम के साथ करेगा तो कितना हो जाएगा, 28 में 9 जोड़ेंगे 37 ग्राम आंसर हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो स्टोइकियोमेट्रिक से करना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना चाहिए हमें। अरे भैया बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट की देखो जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। तो यही अप्रोच है। अब आधे लोग इसी सवाल को लिमिटिंग रिएजेंट निकालने लग जाते, पर जरूरत है क्या यहाँ, आप खुद देखो। हम सबको पता है कि सर ये कम दिया हुआ है तो लिमिटिंग रिएजेंट का काम कौन करेगा, यही करेगा। आप ऐसे निकाल लो 28, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से जो निकालना चाहते हैं वो भी निकाल लें। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो जल्दी खत्म हो जाए, तो कैल्शियम ऑक्साइड है तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से 74 ग्राम बन रहा है, तो 28 से कितना बनेगा सर, 74 / 56 × 28 सॉल्व कर लो, यही आएगा, बुद्धि का प्रयोग कर सकते थे। चलो अगला देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास पूछ रहा है। अब ये क्या ही सवाल हुआ यार, 1 इलेक्ट्रॉन का मास क्वेश्चन में गिवन है 9.1 × 10^-31 kg। हमसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, डेट मीन 6.022 × 10^23 का पूछ रहा है। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 6.022 × 10^23 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9.1 × 10^-31। अच्छा ऑप्शन केजी में कि ग्राम में है, ज्यादा ग्राम में है तो कोई बात नहीं, हम पहले केजी में निकाल लेते हैं। ऐसा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पूरा मल्टीप्लाई ना करके अप्रोक्स 9 6 = 54 अप्रोक्स बता रहा हूँ, 54। 31 माइनस का है, 23 प्लस का है, सॉल्व करोगे तो 31 में से 23 गया, 8 बचा, 10^-8
केजी इतना मास आया, ऐसा मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है सर मैच, ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1000 ग्राम के को 10^3 भी लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। 54 × 10^-8 मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो क्या आंसर आ रहा है हमारा? हमारा आंसर आ रहा है 54 × 10^-5 ग्राम। सर अभी भी नहीं मैच कर रहा? करेगा मैच, यहाँ 54 है, यहाँ 5.48 है। अगर इसका 10 नीचे भेज दूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ देखो 54 × 10^-4/10 लिख सकता हूँ, 10 नीचे ले आया। अब इस 10 को इसके साथ डेसिमल में भेज दो तो 5.4 × 10^-4 ग्राम। सिंपल मैथमेटिक्स थी ये और कुछ भी नहीं था। आगे बढ़े, चलो। मैच द कॉलम है, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड विद देयर रेशो। अच्छा, रेशो पूछ रहा है, बहुत आसान है। मीथेन का रेशो निकाल ले, कार्बन रेशो हाइड्रोजन। कार्बन का कितना मास है? 12। हाइड्रोजन का कितना है? 4। 4 की टेबल से कट जाएगा 3:1। कहीं पे है 3:1, यहाँ दिख रहा है 3:1, इसको 0:1 लिख दिया है। तो यानी A का सेकंड यहाँ है, यहाँ है। ओके, अब C2H6, दो कार्बन है तो दो कार्बन का मास 24 और 6 हाइड्रोजन है तो 6। 6×4=24, 4:1 है। कहीं 4:1? ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, ये यहाँ पे 4:1 होगा, ठीक है, जरा ध्यान दे देना। तो 4:1 आएगा, तो यानी दूसरे का तीसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके, आगे देखो, C2H2 एक कार्बन का 12, दो का 24 और हाइड्रोजन का 2। सॉल्व करेंगे कितने पे जाएगा ये? 2 और 12 पे, तो ये कितना आएगा? 12:1। कहाँ है ये रहा 12:1, यानी C का फर्स्ट तीसरे में। DCH2O ऐसे ही निकाल देंगे इसका, CH2O का कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एक मिनट, पर रेशो तो कार्बन और हाइड्रोजन का ही निकालना है। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, कट गया 6:1। कहाँ है 6:1? ये रहा D का 4। ऑप्शन नंबर 3 बहुत सिंपल था, 1 सेकंड का सवाल था यार ये। आगे देखो, फॉस्फोरस एटम इन दोनों में प्रेजेंट है, उसके रेशो बताना है। तो कैल्शियम फॉस्फाइड जब भी आपको लास्ट में आइड दिखे, इसका मतलब समझ जाना वो फॉर्मूला एटम बना रहा है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के बीच में फॉर्मूला बनाना है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, फॉस्फोरस की 3, फॉर्मूला क्या बनेगा? Ca3P2। तो एक तो हमें मिल गया फॉर्मूला Ca3P2। दूसरा कह रहा है मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम का Mg फॉर्मूला होता है, फॉस्फेट का PO4 होता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला बना Mg3PO4 2। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आ गया Mg3PO4 2। अब हमें फॉस्फोरस का बताना है, इसमें कितने फॉस्फोरस है? 2। इसमें कितने फॉस्फोरस है? 2। तो रेशो क्या आ गया? 1:1। ये हमारा आंसर हो गया, देख लो कितना आसान सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इफ द फॉर्मूला ऑफ मेटेलिक नाइट्रेट। ओके, मेटेलिक नाइट्रेट का फॉर्मूला अगर MgNO2 की थ्राइस है नाइट्रेट, ठीक है, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड। ओके, यहाँ पे ना ये NO2 दिया है तो नाइट्राइट बोलते हैं उसको, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मेटेलिक नाइट्रेट का फॉर्मूला ये है तो नाइट्राइड का कितना होगा? कितना आसान है यार, ये 3 यहाँ तभी आया होगा ना जब कुछ ऐसा सीन रहा होगा कि यहाँ पे 3 हुआ होगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ 3 लगा होगा। डेट मीन मेटल की वैलेंसी कितनी है?
थ्री हमें अब मेटल का फॉर्मूला बनाना है नाइट्राइड। अभी अभी कहा था अगर लास्ट में आइड हो तो एटम बनाता है, मतलब नाइट्रोजन बनाएगा। इसकी भी थ्री होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी थ्री होती है। थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करवाने जाएंगे तो दोनों को एक एक बार लेना है तो फॉर्मूला बनेगा MN। ऐसा ऑप्शन है? ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है MN, ये जरूर कहीं पे मिस प्रिंटिंग की गई है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे ऐसे। ये बनेगा MN, क्या बात समझ आ रही है? MN ऐसा ऑप्शन है, ठीक है? इजी सवाल था, ये टाइपिंग एरर की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड एट STP ऑन बर्निंग 24 ग्राम कार्बन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, कार्बन कितना है? 24 ग्राम। C प्लस O2, इससे बनता है CO2, ये बनता है कि नहीं? अब रिएक्शन बैलेंस है तो लिख दो, इसका 1 मोल लेने से इसका 1 मोल बनता है और इसका 1 मोल बनता है, ये बनता है। ओके, अब हमें क्या कह रहा है ये कि 24 ग्राम कार्बन लेने से कितना बनेगा CO2 गैस। बहुत सिंपल है यार, इसका मोल निकाल लें। ये फॉर्मूला ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो, पहले मोल निकाल लो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है? 24, कार्बन का मोलर मास 12, तो मोल कितना आ गया? 2 मोल आ गया, 2 मोल आ गया। अब देखो कहानी क्या है, कहानी बिल्कुल सिंपल है। 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 2 मोल से कितना बनेगा? सर जी 2 मोल बनेगा CO2। लेकिन हमें मोल नहीं बताना है, हमें वॉल्यूम बताना है। तो 1 मोल CO2 STP पर कितने लीटर के बराबर होती है? 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो 2 मोल कितने लीटर के बराबर होगा? 2 मोल CO2। इस 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44.8 लीटर आंसर आ जाएगा। कितना आसान सवाल था, देख रहे हो? स्टोइकियोमेट्रिक पे बहुत सारे सवाल पूछ रहा है लेकिन सारे के सारे इजी सवाल पूछ रहा है। आगे देखो, ओके, मैच द कॉलम है, मोलैरिटी का यूनिट्स पे बात कर रहा है। तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स की यूनिट होती है एम, एम से रिप्रेजेंट वॉल्यूम का होता है लीटर, तो मोल्स पर लीटर कहाँ है? फोर्थ है ना, तो ए का फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ यहाँ भी है यहाँ पे। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट भी हो जाएगी इक्विवेलेंट मोल बाय लीटर। कहाँ है इक्विवेलेंट मोल बाय लीटर? ये रहा, यानी दूसरे का पहला, दूसरे का पहला यहाँ भी है यहाँ भी। मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वेट, वेट मोल्स बाय वेट होता है, तो मोल्स का एन, वेट का केजी। ऐसा फॉर्मूला कहाँ है? ऐसा फॉर्मूला ये रहा, यानी सी का सेकंड। हाँ, सी का सेकंड कहीं, अच्छा नीचे, ए का फर्स्ट। मुझे लगता है ऑप्शन में कुछ तो मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, देखते हैं, हम खुद का लिखते हैं। ए का क्या आएगा? फोर। बी का क्या आएगा? फर्स्ट। सी का क्या आएगा? सेकेंड। डी का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का क्या होगा? देखो, मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर जिसका निकालना चाहते हो उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। हाँ, तो ये देखो, जिसका निकालना चाहते हो उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो डी का आ जाएगा थर्ड। मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन है क्योंकि उन्होंने मिस्टेक की हुई है, तो प्लीज थोड़ा सा इस बार ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? आगे देखिए, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/x द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, ये तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास का 1/18/37 टाइम्स कम होता है। तो यहाँ पे
1837 के पास कौन है, 2000 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है कि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास से इतना कम होता है। तो कुछ कुछ किताबें इसको 38 लिख देती है, अप्रोक्स है ना, तो 2000 पास दिख रहा है, तो यह आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस इन मास व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस। सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको हमने हीट किया तो क्या बनेगा, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर बनेगा। सबसे पहले क्या कर दो कि इसको बैलेंस कर दो, तो सर यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया, हो गया। अब क्या लिखो कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से करता है, मतलब 2 मोल से इसके 1 मोल बनते हैं, इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है। पूछ क्या रहा है, कितना मास लॉस होगा, लॉस होने का मतलब पता है क्या है, ये उड़ जाएगा ये उड़ जाएगा, तो इन दोनों का मास पूछ रहा है। अच्छा तो लिया कितना है इसने, व्हाट विल द परसेंटेज लॉस इन वास व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट हीटेड, जब कुछ ना दिया हो तो 1 मोल मानते हैं, जब 2 मोल ले रहे हैं तो ये एक एक मोल बन रहा है, तो जब इसको 1 मोल ले लेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 0.5 मोल बनेगा और ये भी 0.5 मोल बनेगा। CO2 के 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल CO2 का मास होता है 44, तो 0.5 मोल का मास कितना आ जाएगा, इसका आधा कर दो 22 ग्राम। 1 मोल वाटर का मास कितना होता है, 18 होता है, इसका आधा कर दो तो वाटर का मास 9 ग्राम। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 आ जाएगा। क्या इतना मास लॉस हुआ है, अब हमसे परसेंटेज पूछा है कि कितना था कितना लॉस हुआ है, तो था हमारे पास 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट, 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का मास कितना होता है, जल्दी बताओ निकाल, ये दिया हुआ है कितना होता है, 84 होता है 1 मोल, तो 31 लॉस हो गया, टोटल 84 था, इनटू में 100 करना है। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितने पे जाएगा ये, इसको जब आप सॉल्व करोगे, हमारा लॉस कितना हुआ है, 31 हुआ है, हमारे पास टोटल कितना था, तो हमारे पास टोटल था 1 मोल, 1 मोल NaHCO3 का मास था 84। इसको सॉल्व करें, अप्रॉक्स मान के सॉल्व करते हैं, इसको 30 ले लेते हैं तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा 15 पे, ये 2 की टेबल से कट जाएगा 42 पे, अब ये 3 पे काट दें, ये 3 की टेबल पे 5 पे कट जाएगा, ये 3 की टेबल पे 14 पे कट जाएगा, तो यहाँ पे अब इसको कट रहा है क्या, ये 500/14 कितना आ रहा है, 14 × 3 = 42, 8 = 80, तो 14 × 5 = 70, 46 = 8, अप्रोक्सीमेटली 35 के पास वाला आंसर है, 35 के पास वाला आंसर है 37। इजी है ना, एकदम सॉल्व कर लेना, 37 अप्रोक्स आ जाएगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इनमें से किसके पास ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, आओ देखो यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या, आओ यहीं कर देता हूं, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम मोल निकालेंगे तो 1/16 आएगा। अच्छा इसका मोल निकालेंगे तो 1/32, इसका मोल निकालेंगे तो 1/48, और इसका मोल निकालेंगे तो 2/18, तो ये चारों का क्या आ जाएगा, मोल। कैसे मोल निकाला, गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोल के बाद हमें क्या पूछा है, इसने ऑक्सीजन एटम, तो नंबर पूछा है ना, तो अब दूसरा फॉर्मूला नंबर का लगेगा, तो 1 मोल में Na होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं कि नहीं बोलो, तो अगर इन सबको Na से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा कि नहीं, तुम खुद सोचो। हाँ सर आ जाएगा, क्योंकि ये आपने मोल निकाला था, मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। लेकिन सर मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, पूछा एटम है। अरे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के, यहाँ तो एक ही होता है तो 1 लिख दो, यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 3, यहाँ कितने
तीन ऐसे करोगे ना कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब बोलो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी? आप खुद बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, इसकी 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 या ऊपर वाले की? चारों में से किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? तो सर पहले वाला आया है, पहले वाला आया है सर एन ए, एन ए डिवाइडेड बाय 16। दूसरा आएगा सर एन ए डिवाइडेड बाय 16, क्यों 2 से 32 कट जाएगा ना। तीसरा आएगा एन ए डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 3 से 48 कट जाएगा। चौथा क्या आएगा, इसको कट करते हैं एक बार, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 एन ए बाय 3। आप बताओ सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन है? एन ए बाय 3 है ना, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। इजी सवाल था ये, इसलिए यही जल्दी किया है। नेक्स्ट देखो, एक मिनट है, ओके दो तीन सवाल ही और बचे। आओ इसको जरा देखो क्या, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं। ये तो कर लिया ना हमने, ओके इसको कर लिया है तो आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखते हैं। इफ थ्री गैसेस, इफ थ्री गैसेस एक्स वाई जेड आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अरेंज किया गया है, अरेंज करने का मतलब एक्स से ज्यादा कह रहा है वाई का, वाई से ज्यादा कह रहा है जेड का। क्या ये ऑर्डर दे रहा है मास का ऑर्डर? कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर दे रहा है, मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर दे रहा है कि सबसे कम मास एक्स का है, फिर वाई का है, फिर जेड का है। क्या कह रहा है? इफ मास ऑफ ईच गैस इज 10 ग्राम, अगर तीनों का मास 10 ग्राम है तो किसके अंदर सबसे कम मॉलिक्यूल होंगे और किसके अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए तो पहले मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल निकालो, एक्स का मोल निकालो, वाई का मोल निकालो, जेड का मोल निकालो। गिवन मास तीनों का 10 है, मोलर मास इसका सबसे कम, क्योंकि वैल्यू नहीं दी है तो मैं लिख दे रहा हूं सबसे कम मोलर मास है, इसका मिडल में है इन दोनों के बीच का, और इसका सबसे ज्यादा मास है। तो आप बताओ, आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा मोल किसका आएगा? तो सर इसके मोल ज्यादा होंगे, मोल का ऑर्डर बताओ, मोल का ऑर्डर। तो सर सबसे ज्यादा मोल होगा एक्स का, उससे कम मोल होगा वाई का, उससे कम मोल होगा जेड का। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी कम होती है ओवरऑल आंसर उतना ज्यादा आता है, तो सबसे ज्यादा मोल आएगा वाटर। तो जो मोल का ऑर्डर होता है वही मॉलिक्यूल का ऑर्डर होता है, तो मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम यही एक्स वाई जेड। तो इसने पूछा था सबसे कम किसका है, तो सबसे कम जेड है और सबसे ज्यादा एक्स है, तो एक्स मैक्सिमम और जेड लीस्ट ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसा करना था इसको। नेक्स्ट सवाल देखो। इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन देन मोलरिटी। तो भैया मोलल, मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी पूछा है। मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वेट, और वो भी वेट लिया जाता है केजी में। मोल्स तो इसने दिया नहीं है तो मैं मोल्स निकाल लेता हूं। गिवन मास 18 ग्राम है, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम, तो मोल्स कितना आया? 1/10 आया, 1/10 आया, तो मैं मोल्स की जगह पुट कर रहा हूं 1/10। वेट कितना दिया है? वेट 1000 ग्राम दिया है, 1000 ग्राम को मैं 1 kg मान सकता हूं, तो मैंने वेट ले लिया 1 kg। इसको सॉल्व करूंगा तो 0.1 आ रहा है ना, दैट मीन फोर्थ ऑप्शन 0.1 मोलर। आसान था कि नहीं? नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके खत्म।
तो साहू स्क्रीनिंग के जितने भी क्वेश्चन मोल कंसेप्ट पे आए आए हुए हैं, करीब करीब 25-30 तो हमने किए किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इजी है, इनको करना कितना आसान है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसे शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू वेरी मच। Thank you.